हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम UO5 बॉक्स का ट्रेनिंग लेसन 21 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम MMC की SLC और MLC हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सी बार ऐसा देखा होगा कि हमारे किसी MMC में अगर SLC नॉट डिफाइंड हो जाता है तो हमारा फ़ोन बूट होना बंद हो जाता है, मतलब ओनली कॉम पोर्ट शो करता है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हमारी MLC जो 90% कंज्यूम्ड हो जाती है, उस कंडीशन में भी हमारा फ़ोन जो है ओनली हैंग ऑन लोगो ही रहता है। तो ज़्यादातर उस कंडीशन में MMC की अगर हेल्थ रिपेयर नहीं होती है, जैसे कि सैमसंग की MMC में हम FFU राइट कर देते हैं तो उसकी हेल्थ रिपेयर हो जाती है, लेकिन जो इसके अलावा अदर ब्रांड की MMC होती है तो उसमें क्या होता है कि हम अगर GP पार्टीशन करते भी हैं, हेल्थ रिपेयर हो जाती है, उस समय 0-10% हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभार कुछ MMC में ऐसा होता है कि उसकी जो SLC MLC की लाइफ होती है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो ज़्यादातर हम उस तरह की MMC को यूज़लेस समझ लेते हैं, बहुत सी बार उसे यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ MMC SLC या MLC नॉट डिफाइंड होने के बाद में भी MMC फ़ोन में वर्क करती है। यहाँ पर स्पेशली हमारे पास एक सैमसंग का J2 200G जो मॉडल नंबर है ये आया है, और स्पेशली इस फ़ोन को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कुछ केसेस में SLC MLC नॉट डिफाइंड होने के बाद में भी, कभी कभार दोनों ही नॉट डिफाइंड होते हैं लेकिन तब भी वो MMC फ़ोन में वर्क करती है। तो यहाँ पर इसलिए स्पेशली हम इस मॉडल को आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक फ़ोन अभी हमारे पास भी आया था, तो इस टॉपिक से रिलेटेड वैसे भी हम इस तरह का एक फ़ोन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इस वजह से इस टॉपिक पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। तो एक फ़ोन अब आ चुका है इस कंडीशन में, और ये जो सैमसंग J2 हमारे पास आया था इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये ऑन करते ही डाउनलोडिंग स्क्रीन पर जाकर के स्टक हो जाता था। आप चार्जर लगाएंगे तब भी डाउनलोडिंग स्क्रीन पर चले जाता था, आप ऑन करते हैं तब भी, और डाउनलोडिंग मोड में डालते हैं तब भी, मतलब किसी भी कंडीशन में आप इसे ऑन करते हैं तो वो डाउनलोडिंग मोड में चले जाता है। हमारे पास आने से पहले इस फ़ोन का किसी ने जो वॉल्यूम डाउन जो माइनस की होता है उसको चेंज किया हुआ है, उन्होंने सोचा शायद इस वजह से डाउनलोडिंग मोड पर जा रहा है, लेकिन इस स्विच के चेंज करने से भी नहीं गया था। और चार्जिंग सॉकेट तो हालांकि अच्छी कंडीशन में था लेकिन फिर भी उसे भी उन्होंने चेंज किया था, लेकिन तब भी ये उससे जो है प्रॉब्लम से नहीं निकला था क्योंकि इसमें MMC बैड हेल्थ का इशू था। तो हमने सबसे पहले इस MMC को इरेज करके GP पार्टीशन किया, देन उसके ऊपर 512 MB का डंप राइट किया, और जो उसका सिक्योरिटी का बैकअप था उसको इसके ऊपर रिस्टोर किया, और इसको उसके बाद में हमने ऑडियन से फ्लैश किया। ऑडियन से फ्लैश करने के बाद में यह हैंडसेट प्रॉपरली ऑन हो गया, लेकिन जब हमने इसको दोबारा से MMC बॉक्स पे कनेक्ट करके चेक किया तो इसकी MLC और SLC हेल्थ के साथ में इश्यूज थे, लेकिन हैंडसेट ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले इस फ़ोन को जो हमने रिपेयर किया था इसकी MMC की आपको हेल्थ दिखाएंगे कि इसके हेल्थ में क्या इशू है, और ये भी दिखाएंगे कि ये हैंडसेट अभी तक वर्क कैसे कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हमने ISP जंपर से इसे कनेक्ट किया है तो यहाँ पर हम जो डायरेक्ट MMC ISP का ऑप्शन है इसे ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद में हम यहाँ पर जो क्लॉक सिग्नल है उसे 24 MHz पर सेट करेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि ISP पर है तो उस पर ऑटो मोड में अगर लेंगे तो स्पीड कम आएगा, इसलिए हम इसको 24 MHz पर सेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये MMC का पूरा इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, ये सैमसंग J200G है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसके MMC को आइडेंटिफाई करने में कोई भी इशू हमको देखने को नहीं मिला है। अब हम यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट इसकी चेक करेंगे। देखिए हेल्थ रिपोर्ट में आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो SLC जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट डिफाइंड है, और MLC 0-10% है। अगर हम इस MMC की ब्रांड की बात करते हैं तो ये SK हाइनिक्स की MMC है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी SLC नॉट डिफाइंड है, जो कि ज़्यादातर अगर जिस भी MMC में आती है तो वो फिर बूट नहीं होता है। अभी हम इसका देखिए NAND टेस्ट भी लेंगे, यस करते हैं यहाँ पर। देखिए इसके NAND टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो बूट पार्टीशन 1 जिसमें जो इसका सेक्टर 0 और जो इसका मतलब बूट पार्टीशन का सेकंड सेक्टर होता है वो आप देख सकते हैं कंटेंट वेरीफाई सक्सेसफुल है। इसमें किसी भी तरह का बूट पार्टीशन 1 में कोई इशू नहीं है। सेम ऐसे ही यूज़र एरिया में सेक्टर 0 में भी कोई इशू नहीं है, और जो सेकंड सेक्टर है उसमें भी कोई इसके अंदर
एरर नहीं है, इस वजह से ही ये ईएमएमसी वर्क कर रहा है। हालांकि देखिए ये कितने समय तक काम करेगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में यही ईएमएमसी जो है इसमें जस्ट जीपी पार्टीशन करने के बाद में, यहाँ पर अभी हमने देखा था इसकी स्मार्ट रिपोर्ट जो हेल्थ रिपोर्ट हमने चेक किया था, तो इसमें यहाँ पर देखेंगे आप SLC यहाँ पर नॉट डिफाइंड ही है, ये देखिए नॉट डिफाइंड, ये MLC 0 to 10% हो गया है, लेकिन SLC जो है यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है अभी भी। अब इस फ़ोन को आप देखिएगा, हम इसको डिसकनेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसको चेक करेंगे। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर डिसकनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए PCB को डिसकनेक्ट कर दिया, हमने हेडर पिन का यूज़ किया हुआ था और ये हमारा मॉडिफाइड ISP अडाप्टर है। इसमें सैमसंग के फ़ोन का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है, इसलिए हम कभी भी UFI बॉक्स का जो ओरिजिनल V2 अडाप्टर आता है उसको, और हम कभी भी सैमसंग के फ़ोन को UFI बॉक्स के ओरिजिनल V2 अडाप्टर आता है उसमें कनेक्ट नहीं करते हैं, हम हमारे मॉडिफाइड अडाप्टर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है सैमसंग के फ़ोन में, स्पीड भी इसमें काफ़ी फास्ट होता है। तो देखिए अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पर इस सैमसंग के फ़ोन को देखिए यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए फिर इसका SLC नॉट डिफाइंड है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हैंडसेट है ये ऑन हो रहा है। ये वीडियो हम स्पेशली इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सी बार हम कुछ केसेस में देखते हैं कि टेक्नीशियन ज़्यादातर क्या करते हैं कि उनके पास कोई भी MMC ऐसा आता है जिसमें SLC नॉट डिफाइंड, MLC नॉट डिफाइंड होता है तो उसे यूज़लेस समझ लेते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में वही MMC काम कर जाता है बैड हेल्थ होने के बाद में भी। लेकिन देखिए यहाँ पर ये MMC इसका IMEI नंबर भी प्रॉपरली है तो इस फ़ोन में कोई इशू नहीं है, ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में। अब मैं आपको दोबारा से इसको एक बार देखिए स्विच ऑफ करके यहाँ पर इसका आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स उसी फ़ोन को हमने यहाँ पर अभी कनेक्ट किया है, दोबारा से आपको उसका हेल्थ रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो SLC है वो नॉट डिफाइंड है, और ये वर्क इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका जो NAND टेस्ट है उसमें बूट पार्टीशन 1 और 2 के दोनों ही सेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं किसी भी तरह से कोई इशू नहीं है। हालांकि क्योंकि ये SK Hynix का MMC है आप देख सकते हैं, तो इसका हो सकता है कि हेल्थ दोबारा से बहुत जल्दी ख़राब हो जाए या कुछ महीनों के बाद हो, तो फिलहाल में अभी क्योंकि ये हैंडसेट काफ़ी पुराना है, कस्टमर MMC चेंज करने जितना एक्सपेंसेस अभी इसके लिए किसी भी टेक्नीशियन को नहीं देते हैं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल में हमने इस फ़ोन का इसी MMC का बैड हेल्थ को रिपेयर किया जिसमें SLC नॉट डिफाइंड था, लेकिन फिर भी ये हैंडसेट ऑन हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आपके पास किसी फ़ोन में आता है अगर नॉट डिफाइंड होता है उसको हमेशा USB से फ्लैश कीजिए, यहाँ से आप कोशिश कीजिए 128 MB या 512 MB मतलब 128 MB या 512 MB का डंप राइट करें, सिक्योरिटी फाइल भी आप यहीं पर रिस्टोर कर दें डंप राइट करने के बाद में, देन इसको डिसकनेक्ट करके आप USB से फ्लैश कीजिए। इस तरह के बहुत से एरर जो SLC MLC नॉट डिफाइंड होते हैं वो एरर होने के बाद में भी फ़ोन जो है ऑन हो जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर इस फ़ोन में दिखाया। और देखिए जो इस तरह के ये हम अडाप्टर्स यूज़ करते हैं, तो आपने देखा जैसा कि हमने इसको यहाँ पर डिसकनेक्ट करके आपके सामने इस फ़ोन को ऑन किया और दोबारा से आपको चेक भी करवाया जिसमें हमने किसी भी तरह से कोई जम्पर इसमें से नहीं निकाले और ये हैंडसेट दोनों ही बार कनेक्ट हुआ। तो ये जो हमारा अडाप्टर हमने मॉडिफाइड अडाप्टर बनाया है इनकी यही खासियत होती है कि ये मल्टीपर्पज़ होते हैं और जो भी कनेक्टिविटी के CMD के एरर्स होते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे स्विच लगाया उस एरर को बाईपास करने के लिए, तो इस तरह के अडाप्टर्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और हम इस तरह का जो इसका V2 का ओरिजिनल अडाप्टर UFI बॉक्स का आता है इसको यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर मॉडिफाइड अडाप्टर्स ही यूज़ करते हैं।
तो फ्रेंड्स, SLC MLC के नॉट डिफाइंड वाले एरर को लेकर के आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। EMMC की हमारी नेक्स्ट बैच जो है वो 16 मई से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है, ओनली 5999 है, और 1 आवर की क्लासेस होती है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम की बैचेस होती हैं, इसमें से आप जो भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसकी लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे तो फ़ीस बहुत कम है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो EMI के लिए भी ऑप्शंस चाहते हैं, तो जो हमारी ऑनलाइन स्टोर है उसकी लिंक से आप EMI पर भी पे कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड्स। तो जिन्हें भी ऑनलाइन पर अगर ज्वाइन करना है तो वो क्रेडिट कार्ड से EMI पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं।